हाई गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज फैशन योर चेतना एंड आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट ज्वेलरी हॉल। सो यहाँ पे मैं आपको जो ज्वेलरी दिखाने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस की है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल, लाइक 200 से 400 की रेंज के बीच में है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी 10 टू 11 आइटम्स ज्वेलरी से रिलेटेड। एंड ट्रस्ट मी गाइज, बहुत ही अमेजिंग ज्वेलरी आई है एंड मैंने फ्लिपकार्ट से फर्स्ट टाइम जो है वो ज्वेलरी कलेक्शन पिक किया है एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। क्वालिटी, लुकिंग, एवरीथिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। आप इनको वेडिंग में या फिर किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में आप इनको स्टाइल कर सकते हो। एंड इन बहुत ही फास्ट डिलीवर हुए हैं सारे प्रोडक्ट, अप्रॉक्स मुझे 3 to 4 days में सारे पार्सल रिसीव हो गए थे। सो मुझे डिलीवरी बहुत अच्छी लगी एंड प्राइस बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल एंड अफोर्डेबल है, जबकि फ्लिपकार्ट पे ऐसा कोई सेल भी नहीं चल रही थी। एंड अभी जो भी जितनी भी ज्वेलरी मैं आपको दिखाऊंगी वो आपको एक सिंगल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक लिंक मिलेगा आपको मेरा हॉल पैक स्टोर, वहाँ पे आपको सारे जितने भी ज्वेलरी मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदी वो आपको दिख जाएगी। सो आपको उस लिंक पे जाना है एंड जितने भी कलेक्शन मेरा इस वीडियो के अंदर आपको दिखेगा वो सारा आपको वहाँ पे दिख जाएगा एंड आप वहाँ से पिक कर सकते हो अगर इनमें से कोई भी ज्वेलरी आपको पसंद आती है तो। एंड प्राइस एंड ब्रांड क्या है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी कि मैंने कितना प्राइस पे किया है एंड ब्रांड कौन सा है। सो गाइज, बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, लेट गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं आपको ज्वेलरी दिखाने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बैंगल। सो यहाँ पे आपको दिखाने जा रही हूँ यू बेला की ये बैंगल हैं एंड इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी कि ये वेयर करने के बाद कैसे लगते हैं। सो ये वाइट स्टोन के बैंगल है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस टाइप के बैंगल्स आप, अगर आप ऐसे पर्सन हो जिनको मिनिमम बैंगल्स पसंद है, तो आप लहंगे पे पहन सकते हो, साड़ी पे पहन सकते हो, अपनी डे टू डे लाइफ में अगर आप ऑफिस जाते हो तो इस टाइप के बैंगल्स स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। एंड इवन आप अनारकली सूट या जो सलवार सूट होते हैं उस पर भी इस टाइप के बैंगल स्टाइल कर सकते हो। बहुत ही मिनिमल है बट इसकी डिज़ाइन जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। जैसा मुझे इमेज में दिख रहा था वैसे ही मुझे रिसीव हुए हैं और मुझे इनकी क्वालिटी एंड इसका जो लुकिंग है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। इसके अकॉर्डिंग प्राइस कितना मैंने पे किया वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, अगेन ये पिकॉक डिज़ाइन के बैंगल्स हैं विद पर्ल डिज़ाइन। सो ये इस टाइप से ओपन होते हैं एंड इसमें जो मेरा साइज़ है 2.6 साइज़ मैंने पिक किया था बैंगल का। सो ये ऐसे ओपन करके आप वेयर कर सकते हो। इनकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, लाइक आप इनको बहुत सारे बैंगल्स के साथ में भी आगे फ्रंट में स्टाइल करके वेयर कर सकते हो। अगर आप चाहो तो सिंगल सिंगल भी स्टाइल कर सकते हो। सो किसी भी वेडिंग में या सलवार सूट पे स्टाइल करने के लिए पिकॉक डिज़ाइन के बैंगल्स बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड प्राइस बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है, लाइक 169 rupees मैंने इसका पे किया। सो प्राइस के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आई है, लुकिंग में भी बहुत अच्छे हैं। आप इनको सलवार सूट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एथनिक वेयर के साथ बहुत ही परफेक्ट लगने वाले हैं ये एंड मुझे इनकी क्वालिटी एंड इसका जो गोल्ड का टचअप है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो मुझे बहुत ही अच्छे लगे ये। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है एक नेक पीस विद पर्ल डिज़ाइन एंड वाइट कलर के स्टोन के साथ में आता है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये नेक पीस। लाइक इस टाइप के नेक पीस जो है वो आप साड़ी पे स्टाइल कर सकते हो, लहंगा चोली पे स्टाइल कर सकते हो, सूट पे भी स्टाइल कर सकते हो। अगर आपको आपका कोई डीप नेक का सूट है तो उस पर भी स्टाइल कर सकते हो। सो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी एंड ब्रांड जो इसका वो जवेरी पर्ल है। सो आपको पता है कि जवेरी पर्ल की ज्वेलरी कितनी अच्छी आती है। सो इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आई है एंड प्राइस भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल है, लाइक 400 के अप्रॉक्स इसका प्राइस मैंने पे किया है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है वेडिंग सीजन के अकॉर्डिंग, लाइक बहुत ही मिनिमल टाइप का नेक पीस है और लुकिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आई है। सो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी प्राइस के अकॉर्डिंग एंड बहुत ही सुंदर लगता है नेक पीस वियर करने के बाद, छोटा सा लगता है और बहुत ही सिंपल एंड सोबर टाइप की इसकी डिज़ाइन है और थोड़ा स्टाइलिश लगता है। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिनको पर्ल डिज़ाइन में एंड स्टोन डिज़ाइन में नेक पीस अच्छे लगते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आई है।
और इसके साथ में आपको ये छोटे से स्मॉल साइज़ की ईयरिंग मिलते हैं, सो इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप ऐसे स्मॉल साइज़ की ईयरिंग पसंद नहीं करते हो तो कोई भी पर्ल डिज़ाइन की लॉन्ग ईयरिंग आप इस नेक पीस के साथ में वियर करके स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है ये ईयरिंग पिंक कलर के डायमंड एंड पिंक कलर के कुंदन एंड पर्ल के साथ में, इसमें पर्ल की लटकन आती नीचे। इनका जो ब्रांड है वो भी जवेरी पर्ल है, सो इनकी लुकिंग और इनका जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये जो ईयरिंग है ना वो चांद वाली टाइप के शेप में है, एंड आप इनको जो है वो आपकी अनारकली सूट के साथ में या सलवार सूट के साथ में बहुत ही इजीली स्टाइल कर सकते हो। एंड अगर आप ऐसे पर्सन हो जिनको नेक पीस ज़्यादा पसंद नहीं है तो ये सिंपल ईयरिंग आप वियर करके अपनी साड़ी के साथ में लुक को स्टाइल कर सकते हो। सो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। एंड इसमें आपको कलर ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ इसमें पिंक कलर ही मिलता है, मतलब जो डार्क पिंक होता है ना वही मिलता है। सो इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी एंड डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और प्राइस बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है, लाइक 250 अप्रॉक्स मैंने उसका कुछ पे किया है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे ये वाले ईयरिंग। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है एक चोकर नेक पीस। सो इस टाइप का नेक पीस है ना बेसिकली राजपूती ड्रेसेस पे वियर करते हैं, बट आजकल इस टाइप के नेक पीस जो है आप इजीली साड़ी पे सलवार सूट पे स्टाइल कर सकते हो। सो इसको आप चोकर भी बोल सकते हो, नेक पीस भी बोल सकते हो। ये पर्ल डिज़ाइन के साथ में आता है, फ्रंट में 3 फ्लावर की डिज़ाइन है और इसके साथ में आपको ब्यूटीफुल से स्टर्ड राउंड शेप में विद पर्ल लटकन की ईयरिंग मिलते हैं। सो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है प्राइस के अकॉर्डिंग। इसका प्राइस 350 रुपीज़ मैंने पे किया है और प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी आई है। वियर करने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिनको चोकर बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो ये बहुत ही गुड ऑप्शन है। स्टाइलिश है, डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लुकिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ ये भी साड़ी के लिए, लहंगे के लिए। सो इस टाइप के चोकर भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं अभी एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ ये ब्यूटीफुल सी रिंग जो कि आती है एडजस्टेबल, एंड इसमें मैंने इसको पिक किया है गोल्डन कलर के जो स्टोन होते हैं उसमें पिक किया है, बीच में आपको रेड कलर का ये स्टोन दिखेगा। सो ये मैंने पिक करी है फ्लिपकार्ट से। सो ये बहुत ही ज़्यादा लाइक स्क्वायर शेप की रिंग है ये एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यू नो अभी बड़ी बड़ी रिंग पहनने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है साड़ी पे या सलवार सूट पे। सो ये वाली रिंग जो है बहुत ही गुड ऑप्शन है, स्क्वायर शेप में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगती है एंड मैं इसको स्टाइल करने वाली अपनी साड़ी के साथ में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, लाइक 270 समथिंग कुछ रेंज में है। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी एंड इसका ब्रांड जो है जवेरी पर्ल है। सो जवेरी पर्ल की जो रिंग्स होती है या ज्वेलरी होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है एंड क्वालिटी अमेजिंग आई है। लाइक मैंने सोचा नहीं था कि फ्लिपकार्ट पे इतनी गुड क्वालिटी की ज्वेलरी मिलती है। सो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी।
आपको दिखाने जा रही हूँ वो ब्यूटीफुल सा वाइट स्टोन डायमंड का नेक पीस जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया है। लाइक इस टाइप के नेक पीस जो आप ना अपने वेस्टर्न आउटफिट के साथ में स्टाइल करोगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि वेस्टर्न आउटफिट में वैसे तो हम मल्टी लेयर नेक पीस वेयर करते हैं वेस्टर्न आउटफिट के साथ में, बट इस टाइम मुझे ये नेक पीस इतना सुंदर लगा कि मैं इसको अपने किसी न किसी वेस्टर्न आउटफिट के साथ वेयर करके आपको स्टाइल करके भी दिखाऊंगी। एंड अगर आप इसको साड़ी के साथ में स्टाइल करना चाहो तो भी बहुत ही अमेजिंग लगेगा। सो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी एंड प्राइस भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल है, लाइक 260-270 की रेंज में है ये। एंड इसका जो डायमंड का डिज़ाइन है वो इतना प्रिटी है कि आप इसको वियर करने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। एंड इसके साथ में आपको मिलते हैं ब्यूटीफुल सी ये लॉन्ग इयरिंग। सो मुझे इसकी इयरिंग की क्वालिटी एंड इयरिंग का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा है। अगर आप चाहो तो इसके साथ में रिप्लेस कर सकते हो किसी भी इयरिंग को इसके साथ में, बट रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इयरिंग के साथ में ही बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। मैं आपको स्टाइल करके दिखाऊंगी। सो ये वाला भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। मतलब फ्लिपकार्ट से जो भी ज्वेलरी मैंने खरीदी है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ या रिग्रेट करने वाली कोई बात नहीं है कि यार अच्छा नहीं आया, क्वालिटी अच्छी नहीं आई। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी एंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी आई है प्राइस के अकॉर्डिंग। So, मैं ये भी आपको हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रिटी ये नेक पीस है। लाइक अगर आप अपनी फ्रेंड की वेडिंग में जा रहे हो या आपकी खुद की भी वेडिंग है तो इस टाइप का नेक पीस आप वेयर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है मेहंदी फंक्शन में या फिर हल्दी के फंक्शन में, क्योंकि इस पर जो है ना वो कुछ बराती टाइप का लुक है। सो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। एंड इसके साथ में आपको ब्यूटीफुल से ये इयरिंग मिलते हैं सो इस इयरिंग भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं। एंड मुझे इसका जो डिज़ाइन है ना स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आया। लाइक इस टाइप का नेक पीस मैंने फ्लिपकार्ट पहली बार देखा था और मुझे देखते ही पसंद आ गया था। सो ये मैंने पिक किया है एंड ये मल्टी कलर में आता है। सो आपको आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ में बिना सोचे समझे स्टाइल कर सकते हो, क्योंकि इसकी लुकिंग बहुत ज़्यादा प्रिटी है, डिज़ाइन बहुत बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। सो मैं ये भी आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि फ्लिपकार्ट से इस टाइम मैंने जितनी भी ज्वेलरी खरीदी वो सारी इतनी स्टाइलिश एंड इतनी परफेक्ट आई है कि मैं आपको सारी ही ज्वेलरी हाईली रिकमेंड करती हूँ। आपको जो भी पसंद हो, आप खरीदते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमने ये खरीदी है, क्वालिटी कैसी आई है, वो भी मुझे बताना। सो मुझे इसकी पर्ल लटकन और इसका जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा है। सो आप अपनी फ्रेंड की वेडिंग में या खुद की शादी हो तो भी आप इसे वियर कर सकते हो छोटे मोटे फंक्शन के अंदर। सो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो ब्यूटीफुल सी प्लास्टिक रिंग्स है। सो ये बेसिकली मैं भी स्टाइल कर सकती हूँ, मेरी बेटी भी स्टाइल कर सकती है। सो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। प्राइस इसका 260 रुपीज़ मैंने कुछ पे किया है और इसमें मुझे मिली है 20 से 22 रिंग्स और इन सारी रिंग्स की क्वालिटी इतनी अमेजिंग आई है। लाइक मतलब 2-3 बार तो मेरी बेटी ने इनको गिरा दी फिर भी टूटने का कोई चांस नहीं है। और ये जो सारी रिंग है ना वो एडजस्टेबल है, लाइक मैं भी इसको वियर कर सकती हूँ, मेरी बेटी भी वियर कर सकती है। सो हम दोनों को वियर करने के लिए, वैसे मैं तो क्या ही पहनूंगी बच्चों की रिंग, बट यू नो अभी बहुत
द ट्रेंड चल रहा है कि अगर आप कोई स्टाइलिश टी शर्ट पहनते हो तो उसके साथ में ये क्यूट सी रिंग, अगर क्यूट सी टी शर्ट पहनते हो तो ये क्यूट सी रिंग डाल सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। मैं स्टाइल करके आपको दिखाऊंगी। सो ये बेसिकली मैं और मेरी बेटी दोनों स्टाइल करेंगे। मुझे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी एंड प्राइस के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही गुड क्वांटिटी की रिंग्स मिल जाती है एंड ये इस टाइप से प्लास्टिक बॉक्स के अंदर आती है। सो अगर आप अपनी बेटी के लिए खरीदना चाहते हो, खुद के लिए खरीदना चाहते हो, अगर आप कोई क्यूट सी ड्रेस स्टाइल करते हो तो मैं ये भी आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक ब्यूटीफुल सा चोकर जिसके साथ में आपको पर्ल की डिज़ाइन मिलती है एंड इसकी पर्ल की क्वालिटी अमेजिंग है, लाइक बहुत ही अच्छे शाइन कर रहे हैं। एंड इस चोकर में आपको 2 से 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पे पिक किया है मरून कलर और बीच में बहुत ही बड़ा सा फ्लावर आता है। सो इस टाइप के चोकर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है, आपने देखे होंगे, सारे लोगों को वियर करते हुए देखे होंगे। सो इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही स्टर्ड क्वालिटी का ये फ्लावर है बीच में और पर्ल की क्वालिटी अमेजिंग है। सो इस टाइप के चोकर जो आप साड़ी पे बहुत ही इजीली स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और इसके साथ में मुझे मिले हैं बहुत ही स्टर्ड क्वालिटी के इयररिंग, आप देख सकते हो इस टाइप से क्यूट से छोटे से इयररिंग मिले हैं। अगर आप चाहते हो कि ये इयररिंग आपको नहीं पहनना है तो आप कोई भी राउंड शेप की इयररिंग आप इसके साथ में स्टाइल कर सकते हो। सो मुझे इसकी ओवरऑल क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। अकॉर्डिंग टू प्राइस आई गेस मैंने इसका प्राइस जो है 350 रुपीज़ और 320 रुपीज़ पे किया। मैं आपको अपने अकाउंट से चेक करके स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी एंड ब्रांड कौन सा है वो भी आपको मेंशन कर दूंगी। बट प्लस पॉइंट ये कि आपको इसमें 2 से 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं एंड बहुत ही गुड क्वालिटी है और इसकी जो क्वालिटी है बीच में जो फ्लावर है उसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। गाइज अभी मैंने जितना भी कलेक्शन आपको मेरी ज्वेलरी का दिखाया है वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा हॉल पैक का, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। क्योंकि मेरा जितना भी इस हॉल के अंदर मैंने आपको जितनी भी ज्वेलरी दिखाई है वो सारी इसके अंदर आप उस पूरे लिंक के अंदर, उस एक सिंगल लिंक के अंदर आपको सारा मेरा जो हॉल कलेक्शन है वो सारा दिख जाएगा। सो आप वहाँ से पिक कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी गाइज, फ्लिपकार्ट की इस टाइम जो भी शॉपिंग मैंने करी है ज्वेलरी की वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी। लाइक मैंने फर्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट से इतनी सारी ज्वेलरी खरीदी है बट क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत ही गुड क्वालिटी की आई है एंड बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस है। लाइक 400 के अप्रॉक्स सारी ज्वेलरी आपको मिल जाती है, मतलब 200 से स्टार्ट होकर 400 तक आपको सारी ज्वेलरी मिल जाती है। सो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिली है एंड इवन आप सेल में खरीदना चाहोगे तो आपको बहुत ही सस्ती पड़ जाएगी। और सो आप चेक करती रहिएगा अगर आपको पसंद आती हो तो। आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताना, अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरे वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हो। फर्दर कौन सा वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे कॉमेंट करके बता देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना गाइज। आई होप आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, हेल्पफुल रहे तो कमेंट करके जरूर बताना गाइस। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस, बाय बाय।